अच्छा ठीक है सर, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे थे, और वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोग अभी करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, जो वर्किंग कैपिटल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच बोल सकते हो आप, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच वन ऑफ दी बेस्ट अप्रोच है, बट करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। और वर्किंग कैपिटल है क्या, जैसे कि आप सभी को पता होगा, वर्किंग कैपिटल मतलब इन सिंपल कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसका एक कैपिटल चाहिए होता है ना, हर बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए। और ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि डे टू डे बिजनेस को रेगुलर बेसिस में ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, काम करने का पैसा, पूंजी। तो जिस पर्टिकुलर चीजों का मेरा बिजनेस होगा, अगर मैं प्रोमोटर हूँ तो मेरा बस वैसा रिक्वायरमेंट होगा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, शायद अगर मैं नूडल्स मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं कोई बैंकर हूँ, अगर मैं कोई फाइनेंस कंपनी हूँ, तो डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट नीड होगा। बट नीड जो भी है, नीड का एक चीज तो कॉमन है सर, कि पैसा चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्रिकेटिंग बॉडी हूँ तो भी मुझे पैसा चाहिए। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि वर्किंग कैपिटल, तो इस वर्किंग कैपिटल को प्रोजेक्ट क्यों करते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट क्यों करते हैं, सिंपल है कि भाई मेरे को कोई भी काम करने के लिए, सपोज मानो कल आप सोचते हो कि आपको एक बिजनेस बनाना है, सिंपल आप एकदम सिंपल तरीके से सोचते हो कि भाई एकदम सिंपल बिजनेस क्या हो सकता है, एक ठेला लगा दो अपने घर के सामने। हाँ सर, एक ठेला लगा दो, क्या बेचोगे? अरे मास्क बेच दो, आजकल चलता है बहुत। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉल लेके मास्क और सैनिटाइजर लेके बैठ जाओ, किसी को बैठना है नहीं, अच्छा ठीक है मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है आप लोग मत बैठो, मैं बैठ जाऊंगा, किसी घर के, मेरे घर के सामने मास्क और सैनिटाइजर लेके मैं बैठ जाऊँ। अब सर बात है कि ये मास्क सैनिटाइजर का बिजनेस करने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल मानो कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि जिसमें मैं मास्क और सैनिटाइजर का दुकान चला, मतलब ओपन कर पाऊँ, मतलब करेंटली आई डोंट हैव, तो मैं क्या करूँगा सर? तो मैं गरीब आदमी हूँ, और ऐसे हालत में अगर मुझे मास्क और सैनिटाइजर का दुकान लगाना है तो फिर मुझे सोचना है कि इतना बिजनेस को रन कराने के लिए आई नीड वर्किंग कैपिटल, जिसके थ्रू से मैं डे टू डे बिजनेस, अगर मैं स्पेशली सपोज मानो कि कहाँ पर दुकान लगाना है, अगर वहां पर पार्टी का लोग आके बोलेगा भाई यहाँ नहीं दुकान लगा सकते, तो फिर किसी, या फिर किसी दुकानदार के दुकान के सामने दुकान लगा रहा है तो वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं देना है, तो मैं बोलेगा भाई आप 500 टका भाड़ा रख लो, मतलब रेंट रख लेना और मेरे को बैठने दे देना, तो फिर उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए मंथली बेसिस का, फिर कितना मास्क उठाना पड़ेगा, कम से कम 2-3 हज़ार का मास्क, कम से कम 2-3 हज़ार का सैनिटाइजर, तब जाके मैं एक दुकान, तो कम से कम 5 हज़ार का जरूरत है, बट आई डोंट हैव, मेरे पास सिंगल पेन ही नहीं है, 5 हज़ार कौन देगा मुझे? तो मैं बहुत मेहनत करके एक बंधन, बंधन जानते हो सर आप लोग, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बंधन का नाम सुने कि नहीं सुने? हेलो, अरे जल्दी बोलो, सुने कि नहीं सुने? हाँ हाँ सर, सर बंधन माइक्रो फाइनेंस, और भी है उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारे कंपनी, मतलब छोटा मोटा बिजनेस है, तो मैं इसलिए माइक्रो फाइनेंस पे गया, तो वो मुझे दे देगा 5 हज़ार का लोन, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं देगा, मैं कौन हूँ, मेरा डिटेल्स लेगा, मेरा कम्युनिटी देखेगा, तो फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं देता, लीडर देखता है कम्युनिटी के अंदर। तो फिर मैं एक लीडरशिप के अंदर गया और मैं बोला मेरे को 5 हज़ार का लोन दे दो, मेरे को अपना बिजनेस सेट करना है। ऐसे लेते हैं सर आप लोग जानते हो, ऐसे 5-5 हज़ार का लोन लेके जो हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है इसका क्या बड़ा बड़ा बिजनेस बन गया है आज के डेट में, बस बिजनेस करना आना चाहिए, तो सिंपल है सर, सिंपल मतलब मैटर सिंपल, मतलब आपके पास आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो दैट्स अ वर्किंग कैपिटल एक्चुअली वर्क्स। अब बैंक में अप्लाई करना है, अब यही बात अगर मैं आपको एक बड़ा लेवल में बात करूं तो ऐसा लगेगा कि कॉर्पोरेट फीलिंग आ गया है। एग्जैक्टली तो चलो सर, कुछ क्वेश्चंस था तो होमवर्क पे उसी को मैं चर्चा करूंगा। ऐसे मैं सोच रहा था आज आपको मैं डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल सिखाऊंगा, बट होगा नहीं, चलो ठीक है, होमवर्क जो है वो नहीं हुआ सबका, तो मैं एक काम करता हूँ, तो जो होमवर्क क्वेश्चंस था उसी को मैं डील करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डबल शिफ्टिंग के बारे में सोचूंगा। ठीक है, ये कनाडा एरिया है कि वर्किंग कैपिटल को डबल शिफ्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब सेम मशीन्स, ठीक है जब कराएंगे तभी बताएंगे डबल शिफ्टिंग, उससे पहले क्वेश्चन डील कर लेते हैं जो होमवर्क में था। ठीक है चलो, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मुझे कंफर्म बस इतना करो आप सर, स्क्रीन शेयर है या नहीं? है ना? वाह, ओके ठीक है है सर।
ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया प्रोफॉर्मा कॉस्टेट। हाँ दिस इज डन, ये हो चुका है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ। हाँ दिस इज डन ना सर, ये हो गया ना, ये हो गया, ये भी हो गया था। ये इलेक्ट्रोपाइप्स हुआ है कि नहीं हुआ इलेक्ट्रोपाइप्स का? हेलो इलेक्ट्रोपाइप्स क्लास वर्क था ना, हो चुका है? ओके दिस वन फिब्रोब्लास्ट, इसमें प्रॉब्लम था, सो वेरी फेमस क्वेश्चन। इवन नॉट जस्ट इन सीए, सीए सीएम में भी एग्जाम में, इवन बीकॉम फाइनल ईयर में भी ये सवाल बहुत बार पूछा है, ठीक है? तो बीकॉम ऑनर्स में ऑब्वियसली। तो देखो सर, फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू फिब्रोब्लास्ट लिमिटेड, किस पे रिलेट करता है? फिब्रोब्लास्ट लिमिट पे, लिमिटेड पे रिलेट करता है। तो ये फिब्रोब्लास्ट का बिजनेस है, इनका सेल का क्या है देखो हिसाब, सेल है 90 लाख का, ठीक है 90 लाख का सेल्स है। मटेरियल कंजम्पशन, अच्छा 3 मंथ्स क्रेडिट बोला है, 3 मंथ्स क्रेडिट सेल भी बोला, मटेरियल कंज्यूम बोला है, सप्लायर एक्सटेंडेड 1.5 मंथ क्रेडिट, सप्लायर जो है वो 1.5 मंथ का क्रेडिट देता है, 22,50,000 का। वेजेस पेड के बारे में बता रहे सर, 1 मंथ इन एरियर, 1 मंथ इन एरियर, ठीक है 1 महीना बाद बाद आप पेमेंट करते हो, तो कितने का हो गया 18 लाख का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बारे में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, कैश एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथ इन एरियर 2 लाख, ओके। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसमें बोला कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन एरियर 6 लाख। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पेड क्वार्टरली इन एडवांस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पेड क्वार्टरली फॉर द इन एडवांस दैट इज 12 लाख। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, अज्यूमिंग डिप्रिसिएशन एज ए पार्ट ऑफ सीओपी। अज्यूम करो कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। इट कीप्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज इन्वेंट्री, ये जो कंपनी है ये 2 मंथ का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मेंटेन करना चाहता है। इट कीप्स कैश बैलेंस 2,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, इग्नोर WIP, ओके WIP को इग्नोर करने बोला है, और आपको कैश कॉस्ट बेसिस, बेसिकली जब डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन गिवन होता है तब आपको कैश कॉस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब कैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो यही है सवाल ना सर, और भी कुछ इंफॉर्मेशन था? एनी अदर इंफॉर्मेशन सर? नहीं सर, यही इंफॉर्मेशन गिवेन है हमें। ओके तो चलो सर, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से इसका रिक्वायरमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ट्राई किया जाए और फाइनेंशियल एडवाइजरी भी किया जाए, ठीक है सर? चलो तो आप लोग क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम फिब्रोब्लास्ट, ओके फिब्रोब्लास्ट का क्वेश्चन है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ढूंढना है सॉल्यूशन। चलो सर थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोगों का मुझे। तो पहले तो हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं ना, तो चलो एक एक करके वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। मटेरियल कंजम्पशंस के बारे में क्या ख्याल है, मटेरियल कंजम्पशंस के बारे में क्या ख्याल है सर? What is your thought about material consumptions? बताओगे क्या? Sir, 22,50,000 का ना material consumed? Hello? हाँ दादा। Okay, 22,50,000 material consumed बोला है, consume ही बोल दिया आपको, तो फिर और क्या करना है?
कंजम्पशन ही बोल दिया तो फिर आप डायरेक्ट ही कोट कर सकते हो। और सप्लायर कितना क्रेडिट देता है इसका, सप्लायर क्रेडिट देता है 1.5 मंथ का। बट सर सप्लायर मटेरियल का क्रेडिट देता है 1.5 मंथ का, मतलब वो तो क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दिस इज द ना, इट कीप्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज इन्वेंट्री, इट कीप्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज इन्वेंट्री। तो फिर रॉ मटेरियल इन स्टॉक कितना हो जाएगा, 1.5 2 मंथ ना, तो फिर हिसाब क्या हो जाएगा सर, हिसाब क्या हो जाएगा बोलो। मटेरियल कंजम्पशन 22,50,000, मटेरियल कंजम्पशन 22,50,000 और रॉ मटेरियल इन स्टॉक क्या हो जाएगा, आर एम स्टॉक इक्वल्स टू 22,50,000 इंटू 2/12, चलेगा इंटू 2/12, बोलो सर चलेगा कि नहीं। हाँ दादा, कितना होता है अमाउंट, 3,75,000। ओके मौसमी बोलो सर चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ सर। ओके प्रीति नेक्स्ट मुझे हेल्प करो, कैलकुलेशन ऑफ कैश सीओपी। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2 में हम लोग कैश सीओपी देख लेंगे, बिकॉज WIP इग्नोर करने के लिए बोला है, तो एक्चुअली फिनिश गुड स्टॉक चाहिए, तो क्वेश्चंस में बोल के रखा था कि इग्नोर WIP, तो आप भी इग्नोर कर दो, जब क्वेश्चन प्रोजेक्ट बोला है कि भाई WIP को इग्नोर करो, शायद इनको WIP का पैसा जरूरत नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस में तो इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है इग्नोर कर दो WIP को। लेकिन सर फिनिश गुड स्टॉक तो चाहिए आपको, ऑब्वियसली फिनिश गुड स्टॉक क्यों नहीं चाहिए, बिना फिनिश गुड स्टॉक का कैसे चाहोगे सर। तो फिनिश गुड स्टॉक के लिए तो आपको COP चाहिए ना, तो जब भी बात COP का आ जाता है, या फिर WIP के लिए भी चाहिए हो सकता था, बट कैलकुलेशन ऑफ कैश COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए बट जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। तो हेडिंग कर दो सर कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा हेल्प कीजिएगा, कैश COP, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट टेल मी सर मटेरियल कंजम्पशन कितना है, ये मुझे थोड़ा बताना, मटेरियल कंजम्पशन कितना है, 2,25,000 है ना, और इसमें आपका सीओपी के साथ क्या क्या ऐड हो जाता है, जब हम लोग सीओपी का बात करते हैं तो मटेरियल ऐड होगा, हाँ सर मटेरियल ऐड होगा, वेजेस ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, यस हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथ इन एरियर, कैश एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथ इन एरियर। तो फिर जस्ट टेल मी कि ये जो कैश एक्सपेंसेस आप किस तरह से पे करते हो, एक महीना छोड़ छोड़ के पे करते हो, मतलब बेसिकली मंथली पेमेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मंथली पेमेंट होता है, पेड वन मंथ इन एरियर, दैट मींस जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी के एंड में मार्च का, इस तरह से मंथ ऑफ एंड में आप पेमेंट करते हो। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूं सर, अच्छा मैं वेजेस को पहले लिख लेता हूं, वेजेस कितना बोला है सर, वेजेस कितना बोला है 18 लाख ना, वेजेस पेड कितना है 18 लाख, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब ईयर खत्म हो रहा है तब आपका एक्सपेंसेस बोल रहा है 2 लाख का, तो ये ईयर एंड मंथ में है, सपोज आपका बिजनेस का ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च के एंड में आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाकी है 2 लाख का, इसका मतलब पूरा साल भर का कितना हो जाएगा, टोटल ईयर का कितना हो जाएगा, तो वेजेस 18 लाख ऐड कर दो, वेजेस 18 लाख ऐड करने के बाद आपको और क्या ऐड करना चाहिए, आपको इसमें ऐड कर देना चाहिए कैश मैन्युफैक्चरिंग, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा बोलो, कितना 24 लाख, यस सर 2,00,000 × 12, तो फिर पूरा साल भर का कितना हो जाता है, पूरा साल भर का हो जाता है, आपको मंथ का मिला है बिकॉज एंड ऑफ द ईयर का मिला है, इसका मतलब आपको बाकी पूरा साल भर का आप बैक कैलकुलेशन करके समझ गए कि आपको 24 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल आपका खर्चा कितना हो गया, तो ओवरऑल आपका
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 22,50,000, 18 लाख एंड 24 लाख, कितना हो जाता है बोलो सर? 64,50,000. 64,50,000. थैंक यू सर. 64,50,000. अब ये जो 64,50,000 हमारा आया है सर, अब इसमें फिनिश गुड स्टॉक हो जाएगा ना, अज्यूमिंग. अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. फिनिश गुड्स पीरियड कुछ बोला नहीं था ना सर? क्वेश्चन में फिनिश गुड्स पीरियड के बारे में कुछ कहा नहीं है ना? देखो ना दादा. एग्जैक्टली, इसीलिए आप लोगों को चिंता हो गया. सर करे तो क्या करे सर. फिनिश गुड्स पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है. रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में बोला है, कैश बैलेंस के बारे में बोला है, बट फिनिश गुड स्टॉक कितना दिन का होगा इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है. सर एक स्टैंडर्ड एजम्पशंस होता है फाइनेंस में. ये एजम्पशंस कुछ ऐसा है कि जब फिनिश गुड्स पीरियड के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, आप फिनिश गुड्स पीरियड को 1 मंथ या 2 मंथ ले सकते हो. ठीक है, 1 मंथ या 2 मंथ, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है. बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बजट है, तो बजट में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. तो अगर कभी भी आपको फिनिश गुड स्टॉक मिसिंग दिखे, यू कैन टेक इट 1 मंथ और 2 मंथ. ये मैं आपको बाद में नोट्स लिखा दूंगा. ठीक है, कि कब कब क्या करना चाहिए. कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहने से, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होने से कब कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए, मैं आपको वो एक बार नोट करा दूंगा. तो सो डोंट वरी. लेकिन सर करेंटली मैं यहाँ पर एजम्पशंस ले रहा हूँ, फिनिश गुड्स पीरियड टू बी 2 मंथ्स. ठीक है, फिनिश गुड्स पीरियड टू बी 2 मंथ्स. ये 1 मंथ भी ले सकते हो, 1 मंथ भी ले सकते हो, 2 मंथ भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आपका assumptions होगा वो आपको mention करना जरूरी है. ठीक है. अच्छा, finished goods stock के बारे में, finished goods stock के बारे में आपको अभी तो information मिल गया, अब तो बता दो सर. 64,50,000 into 2 by 12, तो क्या हो जाएगा सर? 10,75,000. गुड इवनिंग प्रीतम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. ओके ठीक है, चलो सर नेक्स्ट. तो फिनिश गुड स्टॉक हो गया. ठीक है, तो बस याद रखिएगा सर, जब भी फिनिश गुड्स के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, यू कैन टेक assumptions, और assumptions आपका 1 से लेके 2 मंथ तक आप ले सकते हो. ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस में. 1 महीना बाद तो आपको स्टॉक, मतलब स्टॉक एक एटलीस्ट कम से कम 1 मंथ का स्टॉक या 2 मंथ का स्टॉक आपको मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 मंथ लिया, तो उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशंस को बनाया. आप 1 मंथ भी लोगे तो भी वो गलत नहीं कहा जाएगा, मैं बाद में नोट्स बताता हूँ. ओके नाउ सर, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे सर. नेक्स्ट अब नेक्स्ट बातें क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग, अच्छा, COGS के बारे में बात करते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो COGS के बारे में क्वेश्चंस ने कुछ कहा है क्या? COGS के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या? एक बार क्वेश्चन देखे क्या? चलो देखते हैं सर. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है? कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है? बोलो सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में कुछ भी कहा गया है सर? जीपी 25%. ओके सर, जीपी 25%. थैंक यू. द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%. तो कंपनी 25% में सेल करता है. तो अगर कंपनी सेल करता है 25% में, तो फिर हम इस तरह से सोच सकते हैं, 75% ऑफ सेल COGS, दैट इज COP, इक्वल्स टू COGS equals to 75% of sales, मतलब 25% तो profit में चला गया. तो हम लोग इस तरह से जरूर जा सकते हैं सर. तो COGS that is cost of production, cost of goods sold या COP equals to 75% of क्या है सर?
75% ऑफ सेल्स है, तो 75% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितने का है, सेल्स कितने का बोला है? 90 लाख. देखो सर, सेल्स के बारे में बोला है 90 लाख, तो फिर आपका हिसाब क्या हो जाएगा, 75% ऑफ 90 लाख. तो 75% ऑफ 90 लाख कितना हो जाता है? 67,50,000. ओके ठीक है, 67,50,000. तो फिर 75% ऑफ 90 लाख 67,50,000 आपको मिला. नाउ सर, सीसीओपी कितना है, मतलब कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, बोलो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 64,50,000. थैंक यू सर, 64,50,000 हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, उसी में तो अभी इतना देर तक लगाया. सर कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका है 64,50,000, दिस इज द एरिया. ठीक है, जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो 64,50,000 होगा आपका कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग अभी अभी देखा, 64,50,000. ठीक है, नाउ अब बात किस में करेंगे सर? सर आप बात कर लेते हैं, therefore, अच्छा आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये जो अमाउंट है COGS का, जो अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हटा देते हैं, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर आप कैश कॉस्ट ऑफ, सिंपल बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करते हो, तो बैलेंस अमाउंट क्या होगा? डिप्रिसिएशन. हाँ सर बोलो, बात कुछ बना कि नहीं बना? हेलो, नहीं समझ आया था. ये जो आपका 75% ऑफ 90 लाख था, ये जो 67,50,000 आपका निकला, ये तो आपका सीओपी है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जब आप कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल देते हो, तो फिर जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या है? ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन है ना, बोलो. ये वाला बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो भी है बोलो तो सही. हेलो, अरे सर मैं आप लोगों का आंसर सम, मतलब आप लोगों का फीडबैक चाह रहा हूँ सर, बोलो कि ये डिप्रिसिएशन है या नहीं है. राशनी, मौसमी, कुछ तो बोलो सर. प्रीतम, क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? इतना देर तो समझ रहा था, कम से कम रिस्पॉन्स तो कर कि हाँ ना कुछ तो, इतना देर बैठे बैठे समझ रहा था मुझे. ठीक है रोशनी, प्रीति, प्रीतम, आप लोग भी बता दो सर, समझ आया कि नहीं आया कि कैश, ये तो टोटल, ये तो सेल्स अमाउंट के साथ, मतलब बेसिकली दिस इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो ना कैश सीओपी, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में ये मटेरियल, मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस पेड और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो भी कैश एक्सपेंसेस भी बोला था. ठीक है, कैश एक्सपेंसेस के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, तो ये सारा का सारा कैलकुलेट करके तो आपने कैश सीओपी कैलकुलेट कर ही चुके थे 64,50. तो व्हाट इज दिस बैलेंस अमाउंट? दिस बैलेंस इज डिप्रिसिएशन. ठीक है, दिस बैलेंस इज डिप्रिसिएशन. नाउ 3 लाख है ना सर, क्या मैंने सही लिखा? 67,50 एंड 64,50, 3 लाख है ना? हाँ 3 लाख सही है. तो 3 लाख का अमाउंट है आपका डिप्रिसिएशन का. अब ये एक्चुअली इसका जरूरत नहीं है, फिर भी डिप्रिसिएशन क्या है जानने का अच्छा सबको होता है, तो इसलिए मैंने दिखा भी दिया. नाउ वर्किंग नोट 3 करो सर. कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज हमें क्या चाहिए, डेटल चाहिए अभी. WIP यहाँ पर इग्नोर करने के लिए बोला है, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको क्या चाहिए? कैश कॉस्ट ऑफ सेल में आपको चाहिए CCOP, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फर्स्ट ले लो. तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64,50,000, दिस इज यू ऑल नो. इसमें आप ऐड कर दो सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला या नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में
क्वेश्चन का कुछ कहना है? यस और नो सर? टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड इवन ये भी बोला सर, कैश एक्सपेंसेस आर पेड वन मंथ इन एरियर, दैट इज 6 लाख, दैट इज 6 लाख. तो टोटल बोला है यहाँ पर, एक चीज ध्यान देना, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसका वन मंथ एरियर रहता है वो अलग बात, बट कैश एक्सपेंसेस है तो 6 लाख का बोला है. और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पेड क्वार्टरली इन एडवांस, दैट्स ओके, बट सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना है? 12 लाख. ओके सर, आई होप बात समझ में आया सर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपका हो गया 6 लाख का, और इसमें और ऐड हो जाएगा सर सेल्स प्रोमो एक्सपेंसेस 12 लाख. ठीक है, सेल्स प्रोमो एक्सपेंसेस 12 लाख. तो आप मुझे बताओ सर कि टोटल करके इसका कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज प्रोडक्शन के साथ ये एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा तो आपका कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा. तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज ये सब सेल्स के लिए है, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? टेल मी सर, बताओ. 82 लाख. बोलो. 50,000. ओके सर, ठीक है. तो फिर कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया आपका 82 लाख 50,000. नाउ डेटर कितना हो जाएगा आपका? सेल्स ही तो आपका डेटर का आधार है. सेल्स इज योर बेस फॉर योर डेटर, सेल्स इज बेस फॉर द डेटर. तो डेटर कितना हो जाएगा? 82 लाख 50,000 इनटू क्या हो जाएगा सर? डेटर के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा है? डेटर पीरियड के बारे में क्वेश्चन कुछ कहा है क्या? व्हाट अबाउट डेटर पीरियड? सेल्स एट 3 मंथ्स क्रेडिट है ना. सेल्स कितने दिन का क्रेडिट पे करते हो सर? 3 महीना. तो आपका सोच है कि भाई हम जो सेल करेंगे तो 3 महीने का क्रेडिट से सेल करेंगे. तो 82 लाख 50,000 के ऊपर 3 / 12 करोगे तो आपको डेटर मिल जाएगा. अमाउंट बताना सर. 2062500. थैंक यू सर. ओके, ये रहा आपका डेटर. सर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? यस, वर्किंग नोट 4 और भी वर्किंग करना है. वर्किंग नोट 4 में हम क्या देखना चाहते हैं सर? प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. क्या देखना चाहते हैं? प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस देख लेते हैं सर. प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के बारे में प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया? प्रीपेड कितना कर दिया आपने? देखो तो क्वेश्चन बोला था सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पेड क्वार्टरली इन एडवांस. ठीक है, पेड क्वार्टरली इन एडवांस. इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाता है सर कि टोटल 12 लाख का आपने पे की करते हो एक साल में, लेकिन वो पूरा का पूरा इस साल का नहीं है. ठीक है, वो पूरा का पूरा इस साल का नहीं है. तो पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या है आपका सर? अगर आप कोई भी एक्सपेंस पहले पेमेंट कर देते हो तो वो आपके लिए क्या कहता है सर? बोलो, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है. प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या है आपका? हाँ, करंट एसेट. करंट एसेट क्यों बोलो तो? व्हाई दिस इज कॉल्ड करंट एसेट? व्हाई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस इज कॉल्ड करंट एसेट्स? जल्दी बोलो. क्यों है? बोल मौसमी. यू आर राइट, दिस इज अ करंट एसेट्स, बट व्हाई सर? बिकॉज पहला बात तो है कि आपने ये जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आपने किया, ये जो 12 लाख आपने इधर कर दिया, इसमें पेड क्वार्टरली इन एडवांस. तो एक क्वार्टर कितना दिन का होता है? एक क्वार्टर कितना दिन का होता है? क्वार्टर अमाउंट ऑफ एडवांस में पेमेंट कर दिया, पेड क्वार्टरली. हाँ बोलो. बेसिकली इसका क्वार्टर अमाउंट जो है 1/4 अमाउंट आपने पेमेंट कर दिया. ठीक है, तो 12 लाख का 1/4 आपका एडवांस है. तो ये जो एडवांस अमाउंट हो गया, दैट इज 3 लाख अमाउंट जो है, ये 3 लाख आपका करेंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है. तो ये एक्सपेंस आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया. तो जब भी आप किसी भी एडवांस को मतलब एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट करते हो, तो एडवांस एक्सपेंस पेमेंट करना आपके लिए क्या है कि आप जो पर्टिकुलर एसेट्स पे मतलब जो पर्टिकुलर एक्सपेंस पे आप इन्वेस्ट करते हो वो आपके लिए एक एक्सपेंसेस है, एसेट्स है. क्यों? करेंट एसेट इसलिए है बिकॉज उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है. जो एक्सपेंस आपने किया उसका बेनिफिट आपको
मिला नहीं है, मिलने वाला है. इट्स लाइक डेटर. जैसे डेटर को जब कोई सेल करता है तो डेटर से पैसा नहीं मिलता है, मिलने वाला है, इसीलिए तो हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं. सिमिलरली इसी तरह का एक्सपेंस आपने पहले कर दिया तो उसका बेनिफिट अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा तो वो आपके लिए एसेट है. इसीलिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये आपका करेंट एसेट्स है. इट्स लाइक जैसे मान लो कि आपने डॉक्टर का फीस पहले पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट ऑफ डॉक्टर फीस, एडवांस पेमेंट ऑफ टीचिंग फीस, ठीक है, कोचिंग फीस, स्कूल फीस. तो क्योंकि आपने स्कूल का फीस एडवांस में पेमेंट कर दिया तभी तो स्कूल आपको पढ़ाते हैं. और आप क्या मन में उन्हें सोचते हो, अरे भाई अच्छा है मैंने पेमेंट तो मेरा करके रखा है, अब मैं आराम से स्कूल जा सकता हूँ, अब मैं आराम से ट्यूशन जा सकता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है. तो अगर आपको कोई पेमेंट करने का बाद फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है जिसको फील करके आप, जैसे एडवांस रेंट, ठीक है, आप किसी घर में रहते हो, सपोज आपने एक रूम रेंट पे लिया, सपोज आपने एक रूम रेंट पे लिया और वो रूम रेंट पे लेके आप उस रूम, मतलब उस रूम पे, रूम रेंट पे लेके उस रूम पे आप क्या कर दे, उसे एडवांस में पेमेंट कर दिया. सपोज मानो कि ये जो रूम है, इस रूम आपने रेंट पे ले लिया, अब इसका जो रेंट है ये रेंट आप एडवांस में पेमेंट कर दिया. अब एडवांस में सपोज मानो इस रूम का रेंट है 5000, तो अगर आप 5000 मंथ के स्टार्टिंग में दे देते हो, दिस इज योर एडवांस एक्सपेंसेस. अब दिस एडवांस एक्सपेंस एक्चुअली योर करेंट एसेट्स. क्यों? बिकॉज अब एक अगला एक महीना ये रूम से आपको कोई नहीं हटा सकता. दिस इज द फ्यूचर बेनिफिट यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. That's why advance expenses is your current assets. Thank you, sir. I'm very happy. You are absolutely right. बुझा जाता है? हाँ सर, समझ आ रहा है ना? है दादा. कहाँ चला गया सर? मैं तो room rent पे ही खो गया. Okay, मिल गया सर. तो 3 लाख. तो ये हो गया आपका working note 4 और working note 5 भी आएगा. Working note 5 भी आएगा. Working note 5 में क्या मिलेगा हमें? वर्किंग नोट 5 में हमें क्या मिलेगा सर? क्रेडिटर फाइंड करना है तो बताओ रॉ मटेरियल परचेस कितना है? कोई बताएगा क्या या मुझे ही ढूंढना पड़ेगा सर? रॉ मटेरियल परचेस, दैट इज कंजम्पशन इक्वल्स टू, रॉ मटेरियल परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशंस. और ये कोई रनिंग, ये रनिंग बिजनेस है, कोई न्यू कंपनी नहीं है, न्यू कंपनी नहीं है. तो रॉ मटेरियल कंजम्पशंस, रॉ मटेरियल परचेस इक्वल्स टू दैट इज कंजम्पशंस. तो फिर कितना हो जाएगा? 22,50,000. ओके सर. देयरफॉर क्रेडिटर हो जाएगा आपका, आपका जो क्रेडिटर है वो कितना हो जाएगा? क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन कुछ कहा था क्या? मटेरियल कंज्यूम, सप्लायर्स एक्सटेंड 1.5 months, डेढ़ महीने का क्रेडिट देता है सप्लायर आपको, मतलब जिनसे आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो या लेते हो वो आपको डेढ़ महीने का क्रेडिट पे सामान प्रोवाइड करते हैं. सिंपल बात है. तो आपको उनको 1.5 मंथ छोड़ छोड़ के पेमेंट करना पड़ेगा. तो 22,50,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना है सर? हेलो, कितना हुआ बोलो? किसी ने नहीं किया सर, मुझे ही करना पड़ेगा, बोलो. 281,250, ठीक है, मतलब 281,250. ओके, ठीक है सर. सर और कुछ बाकी है क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? यस, और एक एरिया है मुझे लगता है बाकी है, दैट इज वर्किंग नोट 6. क्या लगता है बोलो तो, क्या बाकी है? क्या बाकी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम लोगों ने नहीं किया? वेजेस, वेरी गुड सर. वेजेस बाकी है, थैंक यू. आउटस्टैंडिंग वेजेस बाकी है. वन मंथ इन एरियर करके आप पेमेंट करते हो तो इसका क्या आपको चाहिए? तो वेजेस के बारे में आपको टोटल देके रखा है, बट वन मंथ एरियर के लिए आपको कितना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बताया. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, outstanding wages total is 18 lakh. 18 lakh total है. इसको हम लोग एक महीना ना सर, 1 month एरिया, तो 1/12 एक महीने के एरियर में, तो पर मंथ का कितना हो जाएगा सर? 1,50,000. थैंक यू सर. 1,50,000 ये हो गया आपका. सर और भी कुछ बाकी लग रहा है मुझे, क्या बोलो तो? सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में भी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया,
टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 6 लाख, बट इसका भी कैश एक्सपेंसेस अगर पेड 1 मंथ इन एरियर, मतलब ये भी एक महीना बाद बात पे करते हो, तो इसके लिए भी आपको निकाल लेना चाहिए। तो वर्किंग नोट 7 में आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसके हिसाब हो जाएगा आपका 6 लाख इंटू 1/12, तो आपका हो जाता है पर मंथ का 50,000। दिस इज ओके, बस और कुछ नहीं लगेगा सर, और कुछ नहीं लगेगा, जो चाहिए था निकाल लिए। और यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा सर, कैश दिया हुआ है 2,50,000 का, तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लोगे? हाँ सर, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का स्टेटमेंट, हाँ तो चलो फटाफट बना लेते हैं, देरी किस बात की, कैलकुलेट करके प्लीज बताओ मुझे सर कितना नेटवर्किंग कैपिटल बन रहा है। सी ए माइनस सी एल हमें कैलकुलेट करना है, सी ए माइनस सी एल, तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर एक चीज आपने ख्याल नहीं किए, क्या बोलो तो, डिप्रिसिएशन के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा, क्यों? डिप्रिसिएशन के बारे में हमें ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ा, जो क्वेश्चंस के लिए इररिलेवेंट पॉइंट हो गया सर। डिप्रिसिएशन इररिलेवेंट क्यों हो गया, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कहाँ गया डिप्रिसिएशन? दिस वन, दिस डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बट क्या ये वाइटल हुआ आपके लिए? बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारा का सारा एक्सपेंसेस कैश के हिसाब से ही देके रखा है, आप देख सकते हो कहीं पर भी डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया, तो हमारा भी झमेला कम हो गया। लेकिन हाँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम लोग डिप्रिसिएशन को देखे, तो अल्टीमेटली ये जो एरिया आपने बनाया दिस इज एक्चुअली टाइम पास है ना, ये एक्चुअली टाइम पास हो गया, इसका कोई एक्चुअल यूज नहीं होगा, दिस इज ऑनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, नथिंग मतलब फॉर क्वेश्चन पर्पज इसका कोई एस सच रिलेवेंस ही नहीं रहा इसमें। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, जिस डिप्रिसिएशन को लेके मौसम भी बहुत कुछ सोच लिया होगा शायद, या रोशनी भी समझ लिया था, प्रीति भी, लेकिन सर अभी हम लोग देख रहे हैं सर डिप्रिसिएशन का तो कुछ खेल एस सच हुआ ही नहीं। हाँ बोलो, अरे सर मैं सही बोल रहा है कि नहीं? ओके सर, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, करेंट एसेट्स में कौन है जल्दी बताना सर, ये आप लोग फटाफट बता दोगे मैं फटाफट लिख लूंगा। करेंट एसेट्स में कौन है? रॉ मटेरियल, आरएम स्टॉक, ओके आरएम स्टॉक है, वर्किंग नोट 1 से मिला होगा, कितना है सर? 3,75,000। ओके, पॉइंट बी में फिनिश गुड स्टॉक होगा, वर्किंग गुड्स से मिला होगा 10,75,000। ओके सर, डेटर होगा, डेटर 2,062,500। ओके नेक्स्ट, प्रीपेड सेल्स एक्सपेंसेस होगा 3 लाख, प्रीपेड सेल्स एक्सपेंसेस वर्किंग नोट 4 3 लाख, वेरी गुड सर, ये भी आपका करेंट एसेट्स है ना। ओके नेक्स्ट, कैश बैलेंस और कुछ तो है नहीं, कैश बैलेंस कितना मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन बोला था लुक किया? 2,50,000, यस सर 2,50,000 हम भी कर देंगे 2,50,000, सबको ऐड करके आउटर में बताना सर कितना हो रहा है। 4,062,500, ठीक है ओके। नाउ कैलकुलेट करेंट लायबिलिटी आल्सो, सीएल के बारे में जो मिला है आपको इन्फॉर्मेशन बता दो मुझे, क्रेडिटर्स है ना सर, क्रेडिटर्स तो होगा ही, क्रेडिटर्स नोट 5 में मिलेगा, कितना है क्रेडिटर्स? 281
250 सही कि नहीं देख लेना एक बार हाँ है ना सर एफ जी आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर 1.5 लाख का था ना 1,50,000 ओके सर सर जी एफ जी एच एच में आपको आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मिला था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वेरी गुड सर वर्किंग नोट 7 में 50,000 का हमें मिल चुका था ओके और हमें क्या चाहिए आई आई में सर ये इंफॉर्मेशन आप मिस मत करना ठीक है ये मिस होने का चांसेस रह जाएगा तो बी केयरफुल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ये भूल जाओगे है ना सर जैसे कैश को ख्याल करना पड़ता है ऐसा अगर इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख का है ये भी तो आपका लाइबिलिटी है हाँ सर इज दिस योर लाइबिलिटी और नॉट तो इसे भी ख्याल करना पड़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा सिली मिस्टेक हो जाएगा बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन बस टोटल करो आउटर में बताओ कितना है आउटर में बताना सर कितना है लायबिलिटी कर रहे हो क्या किसी ने नहीं किया अभी तक मुझे ही करना पड़ेगा क्या बोलो 6 8 1 2 5 0 5 0 ओके सर तो फिर अल्टीमेटली करंट एसेट्स हो गया 4 0 6 2 5 0 0 और करंट लायबिलिटी हो गया 6 8 1 2 5 0 तो उधर हो गया 40,62,500 इधर हो गया 6,81,250 तो फिर अल्टीमेटली आपके लिए जो करे वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल जो जरूरत हो गया वो कितना हो गया नेट 33,81,250 नेट वर्किंग कैपिटल हो गया वेरी गुड सर सी ए माइनस सी एल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी तो दैट इज योर 33,81,250 दिस शुड बी योर आंसर बोलो सर बोलो मौसमी रोशनी प्रीति प्रीतम क्लियर है सभी को पूछ रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं हाँ सर बस इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट जो था जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा सर ये समझ नहीं आया बट वो आपको याद रखना पड़ेगा एक ही पॉइंट था दैट इज आपको ध्यान रखना है सर जब भी क्वेश्चन में फिनिश गुड स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहेगा आप 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स का फिनिश गुड स्टॉक ले सकते हो मैंने स्टैंडर्ड टेबल में 2 मंथ्स लिया 1 मंथ भी लेके करोगे तो भी आपका जवाब गलत नहीं माना जाएगा वो आपके assumptions पे डिपेंड करेगा ठीक है और बाकी सारा का सारा जो था वो थोड़ा दिमाग का खेल था depreciations का क्या concept था आप देख ही रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सभी कुछ कैश में बोल दिया है तो फिर आपका काम थोड़ा आसान हो गया हम लोग ज्यादा depreciations को इंक्लूड देखते देखते कई बार ऐसे होते हैं कि एक्सक्लूड है और हम लोग समझ नहीं पाते क्या करना है तो ये कुछ वैसे इसी तरह का क्वेश्चन था वीवीआईपी क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको वीवीआईपी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है कई बार इसको मतलब चकमा दे देते हैं क्वेश्चन चकमा देने वाला क्वेश्चन ओके ये था हमारा फेब्रोप्लास लिमिटेड फेब्रोप्लास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट करें क्या बोलो नोट इसका एक साथ दिखाएंगे ये जो अभी तीनों क्वेश्चन करेंगे ना तीनों क्वेश्चन करके एक साथ नोट करेंगे ठीक है कि हम लोगों को तीनों क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऑड ऑड चीज देखने को मिलेगा ठीक है तो जैसे ऐसा ऑड ऑड चीज देखने को मिले तो सारा का सारी चीजों को एक जगह में हम लोग नोट डाउन करेंगे ठीक है अच्छा बोलो मौसमी बोल आगे बढ़े क्वेश्चन 20 करें क्या चलो क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं अल्फा लिमिटेड ये प्रीतम तुम बुझते पहले ही देरी करे ज्वाइन कर ली आज के हाँ सर मजा कैसे हम्म ओके
Alpha Limited sells its products on a gross profit of 20% on sales. अच्छा, the following information is extracted from its annual accounts. अच्छा, company के annual accounts से ये information निकाला गया. Current year ended March 31st. Company का जो data निकाला गया है company के annual accounts से, sales had 3 months credit. Business ने जो sell किया है, वो भी 3 महीने credit में sell किया है. ये business करते करते पता चलता है सर, कि मैं जिस field में business करता हूँ वो पर्टिकुलर बिजनेस में मुझे कितना दिन का क्रेडिट में सेल करना पड़ता है, मतलब मेरा डेटर मुझे कितना दिन बाद बाद पेमेंट करता है, ये बिजनेस करते करते समझ आता है. हर बिजनेस का अपना फंडा है, है ना, हर बिजनेस का अपना फंडा होता है. ग्रोसरी बिजनेस का अपना, फिश बिजनेस का अपना, चिकन बिजनेस का अपना, वेजिटेबल बिजनेस का अपना, ठीक है. अगर आप बड़े बड़े प्लांट चलाते हो, अगर ऑयल बिजनेस करते हो, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करो, बेसिकली ऑयल रिफाइनरी करते हो, ठीक है, डिफरेंट नोडल बिजनेस का अपना, हर बिजनेस का अपना कुछ ख्याल होगा जो एनुअल अकाउंट्स चेक करके आपको पता चल सकता है कि बिजनेस को कितना. एक्चुअली जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, उनको एनुअल रिपोर्ट चेक करके ये सब पता करना पड़ता है. ये सब क्वेश्चंस वगैरह इसी तरह से बनाया जाता है सर. कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखा जाता है, कंपनी का प्रॉब्लम देखा जाता है, तभी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सेट किया जाता है. चाहे आप अपने मैट में, इंस्टीट्यूट के मैट में देखो, ये सब क्वेश्चन में सीएसईएमए का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है उसी से बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये सब क्वेश्चन बना जाता है. क्वेश्चन बनाने का तरीका समझो, क्वेश्चन बनाने का तरीका है कंपनी का रियल लाइफ एनुअल अकाउंट्स, ठीक है सर. तरीका जान के आप अभी ज्यादा दिमाग मत खाओ अपना, मतलब मेरा भी ना खाओ, आप भी ना खाओ. यस सर, ठीक है, चलो दिमाग नहीं खाएंगे आप लोगों का. सेल्स हैड 3 months क्रेडिट 40 लाख, रॉ मटेरियल्स ने बोला है 12 लाख, अरे बाप रे. वेजेस पेड एवरेज टाइम लैग 15 डेज, बाप रे बाप, 9,60,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड 1 month इन एरियर्स 12 लाख. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड 1 month इन एरियर 4,80,000. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस, अरे बाप रे, 2 लाख का. द कंपनी एंजॉय 1 month क्रेडिट from the supplier of raw materials and maintains 2 months stock of raw materials and 1.5 months stock of finished goods. The cash balance is maintained 1 lakh as precautionary measures. Assuming a 10% margin, you are required to estimate working capital requirements of Alpha Limited. क्या लगता है, हो जाएगा? हाँ सर, बोलो बोलो, क्या लगता है, हो जाएगा? ट्राई करोगे मेरे साथ साथ? ओके, चलो सर, यूं ही साथ चलते चलते हम लोग पहुंच जाएंगे इस क्वेश्चन का सलूशन पे, ठीक है, साथ चलते चलते पहुंच जाएंगे क्वेश्चन के सलूशन पे. तो चलो 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 चलो, एक सेकेंड. ओके, तो पेज से मेरा क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर क्या नाम से लिखेंगे, क्या क्वेश्चन का नाम क्या था, क्वेश्चन का नाम अल्फा. ओके, अल्फा का क्वेश्चन है, अल्फा लिमिटेड, ठीक है सर. अल्फा का सलूशन करना है, अल्फा बीटा गामा दिमाग में नहीं जाता. अच्छा, हम लोग क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कैश रिक्वायरमेंट के बारे में? यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट दी वर्किंग कैपिटल. सर कैश रिक्वायरमेंट कुछ बोला नहीं है, तो फिर सर कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, फिर भी आप कैश कैश क्यों कर रहे हो? सर कैश ही करेंगे, डिप्रिसिएशन को हटा के ही काम करेंगे. सर डिप्रिसिएशन है क्या? पता नहीं, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा. डिप्रिसिएशन है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं. चलो ठीक है, कैश रिक्वायरमेंट ही करेंगे. वी आर कंप्यूटिंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल. चलो देखते हैं, वी आर कंप्यूटिंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल. ठीक, बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए कितना कैश चाहिए वो हमें ढूंढना है. चलो तो फिर ढूंढते हैं, थोड़ा हटना इसमें. ठीक है, तो आगे लिखो सब. वर्किंग नोट वन सर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताना जल्दी जल्दी. रॉ मटेरियल कंजम्पशन कौन बताएगा, कौन हीरो बनेगा, बोलो सर. रॉ मटेरियल कंजम्पशन
12 लाख हेलो 12 लाख ना है दादा 12 लाख तो 12 लाख का रॉ मटेरियल कंजम्पशन है तो रॉ मटेरियल स्टॉक के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है 12 लाख इनटू कितना दिन का स्टॉक बोला है सर रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस 2 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 महीना बोला है सर 2 मंथ्स क्वेश्चन इज 2 मंथ्स रॉ मटेरियल स्टॉक कर लो 2/12 कितना हो जाएगा 2 लाख थैंक यू सर थैंक यू ओके वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 अच्छा वर्किंग नोट 2 अच्छा WIP बोला है क्या करना है क्या WIP हां सर WIP के बारे में कुछ करना है कि नहीं वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोलते हो जाने सर जानी ना की बोलली नहीं कोनो डेटा नहीं अच्छा बट हम ये जिज्ञेस करते चाहिए छी कि डब्ल्यूआईपी के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है अच्छा तो फिर डब्ल्यूआईपी करना नहीं है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था इग्नोर डब्ल्यूआईपी इस क्वेश्चन में पार्टली कंप्लीटेड ये सब कुछ बोला ही नहीं है तो फिर अगर बोला नहीं है तो फिर फालतू में दिमाग खराब क्या है काहे करना तो डब्ल्यूआईपी करेंगे छोड़ो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कुछ जरूरत नहीं है लेकिन फिनिश गुड्स तो बोला है तो वो कर लेते हैं COP can be calculated. चलो देखते हैं. COP can be calculated by two methods. Cost of production हम लोग दो तरीके से ढूंढ सकते हैं. तो ये two methods है क्या? ये जो दो method है, ये दो method है क्या? Method one, cost of production equals to देखो तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ये तो आप लोग जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो सीओपी कितना हो जाएगा 80% ऑफ सेल्स बोल सकते कि नहीं तो फिर 80% ऑफ सेल के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है सेल बोला है 40 लाख तो 40 लाख का 80% कितना होता है कितना होगा सर 32 लाख है ना ओके मेथड 2 से भी कर सकते हैं मेथड 2 सीओपी इक्वल्स टू मटेरियल मटेरियल प्लस वेजेस प्लस क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो मटेरियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा है व्हाट क्वेश्चन सेज अबाउट मटेरियल 12 लाख वेजेस 9 लाख 60 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन ने कहा है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्वेश्चन ने कहा है 12 लाख है ना सर तो 12 12 24 और 9 लाख 60 तो फिर पुट करो ना मटेरियल हो गया 12 लाख का ठीक है सर मटेरियल हो गया 12 लाख का वेजेस हो गया 9,60,000 का एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया 12 लाख का ठीक है हो गया गिवन तो फिर टोटल कितना हो गया 33,60,000 देखो अलग अलग आंसर आ गया उधर आ गया 32 लाख इधर आ गया 33,60,000 उधर हो गया 32 लाख इधर हो गया 33,60,000 पुट देखो ठीक है चनारो सर दोटो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया दोनों ही तो चलेगा ना एक तरफ हम लोग जब भी सीओपी के बारे में बात करते हैं तो 80% ऑफ सेल्स भी सीओपी है यस और नो बोलो अगर बिजनेस ने बोला है कि भाई मैं 20% ऑन सेल्स का प्रॉफिट करता हूं तो आप क्या बोलोगे भाई कॉस्ट कितना है फिर तो फिर कॉस्ट कितना है ऑब्वियसली 80% ऑफ सेल्स तो फिर 80% ऑफ सेल्स अगर तो सीओपी कितना हो जाएगा 32 लाख लेकिन जब आपको यहां से करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई रॉ मटेरियल वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को ऐड करो तब भी आप सीओपी ही तो कैलकुलेट करते हो तो इन दैट केस आपका आंसर आ रहा है 33,60,000 तो दोनों अलग हो रहा है तो डिस्क्रिपेंसी है
तो क्या करना चाहिए? गिवन द डिस्क्रिपेंसी, अगर ऐसा डिस्क्रिपेंसी आपको दिखे, वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड दैट CCOP, that is cash cost of production, equals to 32 lakh. Cash cost of production equals to 32 lakh, while COP equals to 33,60,000. बात कुछ समझ में आया? जब भी आपको दोनों में ये इस तरह का गैप दिख जाए कि एक तरफ आपको मिल रहा है 32 लाख, मतलब कम अमाउंट है, एक तरफ ज्यादा अमाउंट है, तो फिर बीच का गैप क्या है? सब समझ गए होंगे क्या है? हाँ, क्या है बोलो? डेप्रिसिएशन है ना? तो यहाँ पर ऑब्वियसली लॉजिकल क्या होगा? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होके तो अमाउंट ज्यादा होता है, जो कम अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो बिना डेप्रिसिएशन का होगा. तो दिस इज लॉजिकल कि सीसीओपी को ही, मतलब 32 लाख की आपको कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना चाहिए. यहाँ पर कि 33,60,000 ज्यादा अमाउंट है, इसका मतलब इसके अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है. यस और नो? क्या बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप बोलते कि सर इसको लेना चाहिए था सीसीओपी में, तो फिर सर ये डिस्क्रिपेंसी में कम कौन सा है? मतलब जो एक्चुअली जब डिप्रिसिएशन हटाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाना चाहिए ना. तो दैट इज द पॉइंट कि जब भी आपको ऐसा डिस्क्रिपेंसी दिखे जो अमाउंट कम होगा, आप उस अमाउंट को डिप्रिसिएशन मान लेना. यहाँ पर लिखने का जरूरत मैंडेटरी नहीं है. आपको फिनिश गुड्स चाहिए, आप फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर लो. बेसिकली 32 लाख से ही आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, बिकॉज वी नीड सीसीओपी. बोलो सर, कोई सवाल है तो कर लो. एनी क्वेश्चंस? डेढ़ महीने का बोला था, देखो एक बार. रॉ मेटेरियल नहीं, क्या चाहिए? फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स के बारे में बोला है 1.5 month स्टॉक. फिनिश गुड्स अगर 1.5 month है तो 1.5 by 12 तो कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? हाँ सर, 40 lakh या 4 lakh. हाँ बोलो. वो जो डेप्रिसिएशन का बार कोड था ना, इसको और जरूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन में कुछ काम है क्या? यहाँ पर तुम्हें डिप्रिसिएशन का कुछ काम है क्या? तो कॉमन सेंस है ना, 33 से 32 लाख हटाओगे तो डिप्रिसिएशन ही है उसके अंदर, तो बस टाइम पास हो जाएगा. वो आपको पूछा भी नहीं है यहाँ पर, आपको टाइम, आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट पूछा भी नहीं है. बट ये कॉमन सेंस है कि ये जो अमाउंट है इसके अंदर ये 32 लाख लेके काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रिसिएशन को हटा ही नहीं. बेसिकली आपको विदाउट डिप्रिसिएशन काम करना चाहिए था. तो 33,60,000 से 32 लाख हटाओगे तो फिर कितना हो जाएगा? 1,60,000 का गैप है. That means 1,60,000 is actually depreciation. But that is not mandatory for you. पुराना पहला वाला क्वेश्चन में भी तो मैंडेटरी नहीं था, तो फिर आपको जरूरत भी नहीं था लिखने का. तो हम लोग तो कैलकुलेशन 32 लाख पे ही कर रहे हैं, तो हम लोग सीसीओपी तो कैलकुलेट कर रहे हैं. बिकॉज ये जो गैप आ गया है, इसके मतलब क्या है? कि गैप का डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि उसके अंदर ये ज्यादा अमाउंट के अंदर डिप्रिसिएशन जरूर इंक्लूडेड है. बोलो सर, नहीं आया समझ में? है दादा, सभी को पूछ रहा हूँ. कोई डाउट है तो अभी भी पूछो, मन में क्या चल रहा है बता ही दो. आज मौसमी, प्रीति, प्रीतम बोलो. क्लियर सर, क्लियर सर. इसका अमाउंट बताएगा कोई मुझे? 4 लाख. 4 लाख. ओके ठीक है सर, ये हो गया. नेक्स्ट कितना हो गया? वर्किंग नोट 3 तक कर लिए क्या? 2 तक कर लिए, सॉरी. अब क्या करेंगे? वर्किंग नोट 3, ठीक है. वर्किंग नोट 3 सर, 3 में डेटा चाहिए. फिनिश गुड्स हो गया तो क्या चाहिए? डेटर चाहिए. तो डेटर किस पे डिपेंड करता है सर? सेल्स पे डिपेंड करता है. तो सेल्स है 40 लाख का. चलो देखें क्या निकलते हैं, क्या निकाला जा सकता है. तो डेटर तुम डिपेंड किस पे करते हो भाई? डेटर को, डेटर किस पे डिपेंड करता है? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स. डेटर डिपेंड करता है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे.
तब डेटा डिपेंड करता है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो सीसीओपी कितना होगा सर? सीसीओपी सीसीओपी इक्वल्स टू 32 लाख. सीसीओपी इक्वल्स टू 32 लाख, ये तो हम लोगों को पता है सर. इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए ना अगर कुछ भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स एक्सपेंस. देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन क्या कहा है और सेल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन क्या कहा है. सर एडमिनिस्ट्रेशन 4,80,000, सेल्स प्रमोशन 2,00,000, ऐड कर देना चाहिए ना, तो कर देते हैं. दिस इज 4,80,000 एंड दिस वन सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन कितना है? 2,00,000. बताएगा सर कोई मुझे टोटल कितना हो रहा है? बोलो सर टोटल कितना हो रहा है कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स? सर 38,80,000 कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, 38,80,000. ओके ओके, तो डेटर कितना हो जाएगा फिर? कितना दिन का डेटर बोला है? 3 months credit. सेल्स एड 3 months credit. तो डेटर में आपका पैसा फंसा रहता है नॉर्मली 3 month का, तो 3/12. कतो बोल ली? कितना बोला? 9,70,000. ओके ठीक है सर, मैच हुआ. ओके 9,70,000. वर्किंग नोट फोर में हमें कौन चाहिए? कौन है वो जिसे हमें वर्किंग नोट फोर में चाहिए? सर प्रीपेड सेल्स प्रमोशंस के बारे में कुछ कह दिया तो कर लेते हैं ना. देखो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस. एडवांस में करते हो तो करंट एसेट्स है ना, एडवांस में करते हो तो करंट एसेट जस्ट लाइक प्रीवियस सम. तो 2,00,000 का है और हाफ ईयरली एडवांस है, तो क्या करोगे? प्रीपेड सेल्स प्रोमो, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस. बोलो सर हाफ ईयरली क्या करे? मतलब आप टोटल पेमेंट को हाफ ईयरली करते हो, तो जो भी अमाउंट है हाफ इंटू 2,00,000 चलेगा, हाफ इंटू 2,00,000, तो बेसिकली आप 1,00,000 एडवांस पेमेंट कर दिए. हेलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस में बोला था पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस, तो मैं 2,00,000 को हाफ कर दिया और क्या? वर्किंग नोट 5. सर वर्किंग नोट 5 में क्रेडिटर चाहिए. रॉ मटेरियल परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन. रॉ मटेरियल परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन कितने का है सर? 12,00,000 का है. देखो एक बार चेक करके, रॉ मटेरियल परचेज 12,00,000 का, तो 12,00,000 का कंजम्पशन है, तो 12,00,000 को क्या करे सर? क्रेडिटर पे कितना फंसेगा? क्रेडिटर को मैं कितना दिन बाद पेमेंट करता हूँ, मतलब बेसिकली क्रेडिटर मुझे कितना दिन का टाइम देता है? कहाँ लिखा है सर क्रेडिटर का? रॉ मटेरियल 2 months of stock of raw material, कितना दिन का? The company enjoys a 1 month credit. Sorry sir, this is 1 month credit from the suppliers of raw material. So, जो आपको raw material supply करते हैं वो आपको 1 month का credit देते हैं. तो अगर आपको 1 month का credit मिलता है तो फिर आप बताओ, creditor equals to 12,00,000 into 1/12, तो आपका हो जाएगा 1,00,000 ना, इतना आपको चाहिए. ओके वर्किंग नोट 6, वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, एरियर है 1 month का. वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का सर? वेजेस पेड एवरेज सॉरी 15,00,000. अच्छा 15 दिन का, 15 दिन बाद वेजेस पेमेंट होता है, तो जब बात दिन का हो तो फिर 9,60,000 का वेजेस टोटल है, जिनमें 15 डेज डिवाइडेड बाई 365 डेज,
तो आपका कितना दिन हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा सर 15 दिन दिन में? बोलो 15 दिन के लिए कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कोई कर रहा है तो मुझे बताना। थ्री नाइन फोर फाइव टू, ठीक है, ओके 39452, ठीक है। अच्छा वर्किंग नोट सेवन, वर्किंग नोट सेवन सर, वर्किंग नोट सेवन में हमें क्या करना है? वर्किंग नोट सेवन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड वन मंथ इन एरियर, 12 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, 12 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। एक बात लास्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिफरेंट है सर, यहाँ पर ध्यान देना, क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, और ब्रैकेट में क्या बोला था? कैश एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथ इन एरियर। सर यहाँ पर कैश एक्सपेंसेस बोल दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब हम लोग का जो अल्फा का क्वेश्चन था ना, नहीं सॉरी अल्फा तो ये है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? फिब्रोब्लास्ट, मोस्ट प्रॉब्लम जो भी हो। तो मेरा आपको आपको यही पूछना है सर, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि इसमें ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला है, कैश नहीं बोला, तो क्या करें इसको? मतलब अगर मैं टोटल ले लूं तो फिर डिप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाएगा और तब मैं कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए आप लोगों ने तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन का हिसाब देख के रखा है। हाँ सर, तो देखो सर डिप्रिसिएशन काम आ ही गया, तब मैं बोल रहा था पता नहीं कब लगेगा, मुझे नहीं पता था यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को उतना फोरकास्टिंग नहीं हुआ था। अभी मुझे जब दिखा तो मुझे पता चला अच्छा तब तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन लग जाएगा। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है? 12 लाख है सर। टोटल एक्सपेंसेस अगर 12 लाख है, इसमें डिप्रिसिएशन कितना छुपा हुआ है बोलोगे कोई मुझे? टोटल एक्सपेंसेस में 1,60,000। थैंक यू सर, अब समझ में आया। अब 12 लाख से 1,60,000 हटाओगे तो फिर कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? बोलो 12 लाख से 10,40,000 अब कर लो, अब हो जाएगा, अब आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। नाउ यू कैन कैलकुलेट। हाँ बोलो। इस साइड का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ कर हुआ। अब हम लोगों को क्या चाहिए? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस चाहिए, है ना? कर लो सर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मैनु एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना होगा सर? 10,40,000 का है, इसको हम लोग एक महीने के हिसाब से कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन हमें बता के रखा था वन मंथ इन एरियर। तो फिर बताओगे कितना? एट सिक्स 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 सिक्स, मतलब 8,66,666 कर दो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना देखो तो 4,80,000 बोला था। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड वन मंथ इन एरियर, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के अंदर डिप्रिसिएशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो मेरा बाद में लगता है, ठीक है। तो 4,80,000 का मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,80,000 का जो मुझे कहा गया था, इस पे वन मंथ का एरियर है तो 1/12 मैं कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा सर? 40,000 एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट बना लो और आंसर बताओ, स्टेटमेंट बना लो आंसर बताओ।
स्टेटमेंट कैसे बनाना है आप लोग जानते हो, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं बस यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट बना के करना। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, क्या क्या है करेंट एसेट पहले फटाफट मुझे बता दो सर। रॉ मटेरियल है, आरएम स्टॉक, ओके आरएम स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, इसका 2 लाख होगा शायद, देखो तो 2 लाख, फिनिश गुड स्टॉक 4 लाख है ना, फिनिश गुड स्टॉक 4 लाख। डेटर कितना बोला है सर? 9,70,000। अच्छा एक बात हमेशा सर, कौन सा नोट से लिख रहे हो ये जरूर देना, 1 वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 3, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो जो भी हम लोग करते हैं वो वर्किंग नोट है। डेटर, अच्छा प्रीपेड सेल्स प्रमोशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन, प्रीपेड सेल्स प्रोमो, ये हो जाएगा 1 लाख है ना, दिस इज 100 लाख, सॉरी 1 लाख। एंड आपका कैश बैलेंस कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? यस सर, कैश बैलेंस 1 लाख, कैश बैलेंस मेंटेन 1 लाख, तो कैश बैलेंस 1 लाख बस, और कुछ नहीं है। करंट एसेट ऐड करके बताओगे मुझे थोड़ा सर कितना हो गया? 17,70,000। सबका मैच हुआ? सबका मैच हुआ सर, 17,70,000। एक बार मुझे देख के बता देना सबका। करंट लायबिलिटी है सर, ओके करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर का बताना, क्रेडिटर का बताना, वन लाख का क्रेडिटर है, ओके। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है? 39,452 है। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 86,667, exactly, okay. Outstanding administration expenses 40,000, okay. Or net working capital 266,119, ओके तो फिर CA माइनस CL कितना हो जाएगा? 150,381, ओके सर। 10% सेफ्टी मार्जिन बोला था, देखो क्वेश्चन में अज्यूम 10% मार्जिन, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन प्रिकॉशनरी, सॉरी सेफ्टी मार्जिन मतलब जितना होगा उसके साथ 10% और सेफ्टी मार्जिन के लिए ऐड करना चाहिए, मतलब चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन है मार्केट में, किसी तरह का एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए 10% का एक एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मांग लेंगे, तो 10% सेफ्टी मार्जिन के लिए चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो बताओ कितना? 388 टोटल करो बताना कितना है? 1,654,269, ओके 1,654,269, दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है ऐसा? थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है बट इतना भी आउट ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है, रिलेवेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, क्लियर हुआ होगा सबको। अच्छा और एक क्वेश्चन है आपका MNP लिमिटेड का, क्या करोगे घर पे ट्राई करोगे क्या एक बार? हाँ इतना सारा क्वेश्चन होने के बाद मौसमी प्रीति बताओ एक ट्राई बनता है क्या?
या फिर ये भी करके दू सर ওখানে একটা ট্যাগ কোনটা খালি একবার বলে দিন কোনটা 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 ওই যে ইনকাম ট্যাক্স পেপেল ইনকাম ট্যাক্স ভুল গিয়ে আচ্ছা রুক যা মই কোশ্চেন একবার পড় কে দেতা হুম ঠিক আছে মই কোশ্চেন সমঝা দেতা হুম আপ লোগ ঘর পে প্লিজ ট্রাই করনা হ্যাঁ আপ লোগ ঘর মে জরুর ট্রাই করনা আচ্ছা Management of MNP Company Limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement. The record of the company reveals the following annual information. Sales domestic at 1 month's credit. The domestic sale matlab sir, desh ke andar, okay? 24 lakh ka sale karta hai. Sir, export at 3 month's credit. Matlab, desh ke bahar sale karta hai, 3 month credit mein unko payment milta hai. Sales price 10% below domestic price. Jitna इंडिया में सेल करने के टाइम पे जो प्राइस में बेचता है उससे कम 10% कम दाम में बेचता है थोड़ा दिमाग लगाना हाँ थोड़ा एनालिटिकल दिमाग लगाना मटेरियल यूज सप्लायर एक्सटेंड 2 months क्रेडिट 9 लाख का है सप्लायर एक्सटेंड 2 months क्रेडिट मटेरियल यूज करते हैं 9 लाख का लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ का है 7 लाख 20 का लैग इन पेमेंट ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैश बोल के रखा है ध्यान दीजिए ना 10 लाख 80 का है लैग इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 month का है 2 लाख 40 बोल के रखा है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस 1 लाख 50 ये सारा का सारा पॉइंट हो जाना चाहिए इनकम टैक्स पेबल इन 4 installments ऑफ व्हिच 1 falls इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स पेबल इन 4 installments 4 installments में इनकम टैक्स पेमेंट होता है ऑफ व्हिच 1 falls इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इनमें से एक ऐसा है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है इसको लेके चिंता में पड़ गया हाँ क्या रे इसको लेके चिंता में पड़ गया हाँ बोलो बोलो अच्छा और क्या है देख लेते हैं सर रेट रेट देखे नीचे दादा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ठीक है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% इग्नोर WIP एंड डेप्रिसिएशन इग्नोर WIP एंड डिप्रिसिएशन मतलब आपको डिप्रिसिएशन एंड WIP की वो इग्नोर करने के लिए बोला है ठीक है तो आप इग्नोर कर देना एकदम सिंपल और मतलब डिप्रिसिएशन इग्नोर मतलब आप कैश रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है ठीक है बट फिर भी आप कैश रिक्वायरमेंट ही निकालना ठीक है फिर भी आप कैश रिक्वायरमेंट भी निकालना बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैश के थ्रू से दिया है और बोला है अच्छा इनकम टैक्स को क्या करना है 2,25,000 का है तो 2,25,000 का अगर आप 4 installments पेमेंट करते हो तो उसका जो हिसाब होगा 2,24,000 × 1/4 हाँ मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट के लिए आपका कितना लग जाता है वो आपको हिसाब रखना होगा दिस इज योर लायबिलिटी ना इनकम टैक्स पेबल इज योर व्हाट करंट लायबिलिटी यस और नो अरे तो जितना होगा 1/4 करना और फिर बाद में उसके हिसाब से अगर कुछ एक्स्ट्रा लायबिलिटी दे रखा है एडवांस लायबिलिटी पे कर रहा है तो उसके हिसाब से आप देखना अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एडवांस पेमेंट अगर कर देते हो किसी भी हो वो आपका क्या है अगर आप एडवांस पेमेंट कर देते हो तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उसको क्या ट्रीट करना है वो आप एसेट भी दिखाना ठीक है अच्छा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% अच्छा द कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स ईच एंड बिलीव्स इन कीपिंग 2,50,000 अवेलेबल इन इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 75,000 नॉट येट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी अच्छा ये पॉइंट में दिक्कत हो गया क्या the company keeps 1 month stock of raw material and finished goods each and believes in keeping 2,50,000 rupees available to it including the overdraft limit of 75,000 not yet matlab company ko kuch 75,000 ke aas pass ka overdraft mila hai theek hai company ko kuch 75,000 ke aas pass ka overdraft mila hai to overdraft abhi bhi utilize nahi hua hai overdraft aapka liability hota hai to iska dhyan rakhna ठीक है और क्या बोला है और ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैनेजमेंट इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 12% मार्जिन फॉर कंटिंजेंसीज ऑन कंप्यूटेड फिगर वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर तो देखो सब 2,50,000 आप कैश रखोगे और 75,000 का आपको ओवरड्राफ्ट है ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन होता है ओवरड्राफ्ट ट्राई करना ठीक है मैं कुछ पॉइंट में हिंट्स दिया आप ट्राई करना मैं देखूंगा कि नेक्स्ट मतलब तो कल ही क्लास है नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा किसका आंसर सही होता है ठीक है ट्राई आप लोग ट्राई करना आज का जितना सारा क्वेश्चन हुआ है
उसके साथ काफी सारा मिलता जुलता है, बट एक्सपोर्ट का कुछ एरिया है, बेसिकली सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप अपना दिमाग लगा के इसका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके मुझे बताना, ठीक है? मैं कल बताता हूँ, अगर फिर भी डाउट नहीं रह गया आपका तो फिर मैं कल सॉल्व करा दूंगा। कल मैं डबल शिफ्टिंग स्टार्ट करूंगा तब भी बता दूंगा। और इसके साथ साथ मैं सर और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों में दे रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सर, ये टेम्पो लिमिटेड का, प्लीज मस्ट ट्राई। हाँ, टेम्पो लिमिटेड अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके रखना, मस्ट करना सर, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कल का डबल शिफ्टिंग का, ये टेम्पो एंड एज वेल एज फिब्रोब्लास्ट, ठीक है? टेम्पो एंड फिब्रोब्लास्ट, ये दोनों क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप ट्राई करो और फिर कल मैं बाकी एरिया में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? बोल मौसमी, ट्राई कर, हो जाएगा ना? हाँ सर, ओके, ट्राई कर, ठीक है? अगर कुछ डाउट रह गया तो फिर मैं कल सॉल्व कर दूंगा, ठीक है सर? एनी क्वेश्चन? रोशनी, प्रीति, बोलो, मौसमी, प्रीता, ओके, ठीक है फिर, टाटा, बाय, राखी सर, ओके, गुड नाइट, टाटा।